हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल ऑडियो बर्स रिंग ऑफ बिजनेस वुमेन एट स्कूल चैप्टर 1301 टू 1310 यह तांग परिवार का पारिवारिक मामला है और हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए वैसे भी काव्या तांग युनफान की जैविक बेटी है जो निर्विवाद सत्य है मास्टर लेंग ने कहा वह या तो सौतेली बेटी होगी या नाजायज बेटी लेंग शाउजिया ने इसे स्पष्ट कर दिया अपना मुंह बंद करें मास्टर लेंग ने लेंग पर चुटकी ली हालांकि यह सच था उसे चिंता थी कि कहीं काव्या को ठेस न पहुंचे एक दरअसल काव्या भले ही टैंड यूनफान की प्यारी संतान थी लेकिन वह टैंड परिवार में बहुत महत्वपूर्ण थी क्या मैं गलत हूं लेंग शाओजिया ने तर दिया हां आप सही हैं लेकिन क्या काव्या ने तपाक से इसे स्वीकार कर लिया उसका अपना इतिहास छुपाने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि वह पहले ही अपने दम पर सफल हो चुकी थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मिस टैंड थी या नहीं जब तक वह चाहती वह किसी भी समय अपना उपनाम बदलकर टैंग रख सकती थी हालांकि उसने अपना नाम काव्या रखा और उसने अपने भविष्य के लिए खुद ही लड़ने की ठानी ओह एक नाजायज बेटी अगर लेंग परिवार एक नाजायज बेटी से शादी करता है तो यह बेहद शर्मनाक है लेंग शावजिया ने स्पष्ट तिरस्कार के साथ कहा और यह जानने के बाद संतुष्ट दिखे कि काव्या एक नाजायज बेटी थी बंद करना मास्टर लेंग क्रोधित थे वास्तव में मास्टर लेंग ने यह बिल्कुल भी शर्मनाक नहीं सोचा था उन्होंने काव्या की सराहना की न कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की लेंग शाउजिया थोड़ा डरा हुआ था लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था दादाजी मैंने ऐसा लेंग परिवार की भलाई के लिए कहा था हमारा परिवार राजधानी का शीर्ष परिवार है क्या हो अगर अब अपने कमरे में वापस जाओ इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाती मास्टर लेंग ने उसे टोक दिया दादाजी लेंग यह ठीक है काव्या ने तुरंत मास्टर लेंग को सांत्वना दी फिर वह लेंग शाउजिया की ओर देखने लगी आप सही कह रहे हैं कि किसी को भी नाजायज बेटी पसंद नहीं है लेकिन मैं अजय हूँ आप जो भी कर सकते हैं वह करें और आप देखेंगे कि विजेता कौन है लेंग शावजिया ने अपना मुंह खोला कुछ कहने की कोशिश की लेकिन अचानक उसके मुंह पर मांस का एक बड़ा टुकड़ा टकरा गया इसे लेंग शाउटिंग ने फेंक दिया था वह पूरे समय चुप रहा लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह पागल नहीं था उसने काव्या को खुद ही इससे निपटने देने का वादा किया था लेकिन अब वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और तुरंत कार्रवाई कर दी इस दृश्य ने मेज़ पर बैठे सभी लोगों को चौंका दिया और लेंग शाऊजिया पूरी तरह से स्तब्ध रह गए शाऊजिया क्या तुम ठीक हो जियांग शुआन जल्दी में लेंग शाऊजिया की मदद करने के लिए गया शूटिंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उसने गुस्से में लेंग शाउटिंग से सवाल किया यदि आप फिर से ऐसा कुछ कहने की हिम्मत करते हैं तो मैं कुछ भी करने में सक्षम हूं लेंग शाउटिंग ने ठंडे स्वर में कहा हालांकि लेंग शाउटिंग हमेशा अकेले रहते थे और दूसरों से दूरी बनाए रखते थे लेकिन वह शायद ही कभी उन पर अपना गुस्सा निकालते थे लेंग शाओजिया का तो जिक्र ही नहीं मास्टर लेंग भी थोड़ा हैरान और भयभीत महसूस कर रहे थे माँ लेंग शाओजिया अपनी माँ की पीठ के पीछे छिप गई उसने अब लेंग शाउटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की यह ठीक है चलो अब आपके कमरे में वापस चलते हैं जियांग शुवान ने कहा और लेंग शाओजिया के साथ चला गया उन दोनों की भूख हो गई थी काव्या कृपया बुरा मत मानना मुझे नहीं लगता कि आपके इतिहास में कुछ भी गलत है और मैं शाउटिंग को आपसे शादी करते देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता मास्टर लिंग ने कहा सही है काव्या हम भी तुम्हें पसंद करते हैं और हम वास्तव में आशा करते हैं कि तुम एक दिन हमारे परिवार में शादी कर सकती हो यू यिन ने भी कहा मैं सहमत हूँ लेंग युआनजेन ने सिर हिलाया मिस काव्या मुझे क्षमा करें कृपया मेरी हार्दिक क्षमा याचना स्वीकार करें यह मेरी गलती है कि मेरी बेटी इतना बुरा व्यवहार करती है लेंग युआनकियान ने काव्या से कहा वह नहीं चाहते थे कि लेंग शाउटिंग एक शक्तिशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि वाली लड़की से शादी करें लेकिन यह उनके नियंत्रण से बाहर था भले ही उसका विचार लेंग शाउजिया जैसा ही था और उसने सोचा था कि एक नाजायज बेटी का लेंग परिवार में शादी करना अपमानजनक था फिर भी उसने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की तीन इसके अलावा लेंग परिवार में मास्टर लेंग निर्णय निर्माता थे और कोई भी उनके निर्णयों को नहीं बदल सकता था लेंग युआनकियान सरकार में एक वरिष्ठ अधिकारी थे इसलिए वे अत्यधिक लचीले थे भले ही जियांग शुआन अपने घर में अपने शिष्टाचार को भूल गई लेकिन उसे अपने सहकर्मियों से कोई असहमति नहीं थी अलग अलग परिस्थितियों में हर किसी का पक्ष अलग अलग था मैं ठीक हूं मुझे इससे कोई फिक्र नहीं पड़ता काव्या ने कहा वह वा वास्तव में लेंग शाउजिया की कम परवाह नहीं कर सकती थी हालांकि लेंग शाउजिया उस पर हमला कर रही थी लेकिन उसने सच्चाई का सामना करने का साहस था यह देखकर कि काव्या ठीक थी बाकी लोगों ने राहत महसूस की और भोजन का आनंद लेते रहे और लेंग युवांगन को छोड़कर बाकी लोग अच्छे मूड में थे माँ लेंग शूटिंग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है मेरा मुंह अब बहुत दुखने लगा है लेंग शाओजिया ने उसी समय शिकायत की जब वह अपने शयन तक्ष में थी लेंग शाउटिंग ने उसके मुंह पर मांस के एक बड़े टुकड़े से जोरदार प्रहार किया और उसके दांत उसके होठों पर गड़ गए जो वास्तव में दर्दनाक था ठीक है अपनी आवाज धीमी रखो यदि वह आपकी बात सुनता है तो संभवतः वह आपको फिर से चोट पहुंचाने के लिए कुछ और करेगा जियांग शयन ने कहा जियांग शयन अब लेंग शाउटिंग को परेशान करने के लिए तैयार नहीं था हालांकि वह गुस्से में भी थी लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी लेंग शाउटिंग जब पागल था तो डरावना लग रहा था उन्हें आश्चर्य हुआ कि लेंग शाउटिंग काव्या की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे माँ मुझे उनसे नफ़रत है मुझे उनसे नफरत है लेंग शाओजिया ने कहा इसलिए आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं जियांग शुवान ने अपनी आंखें घुमाई लेंग शाओजिया अब नफ़रत से भर गया था ऐसा लग रहा था कि उसे अभी निर्णय लेना होगा माँ मुझे थोड़ी नींद चाहिए क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो लेंग शाओजिया ने थकने का नाटक किया ठीक है अच्छा आराम करो जियांग शुवान ने आगे नहीं सोचा और चला गया इसके बाद लेंग शाओजिया अपने बिस्तर पर लेट गई जियांग शुवान को अचानक कुछ ख्याल आया जब वह लेंग शाओजिया के शयनकक्ष का दरवाजा बंद करने वाली थी ओह काव्या के अधीनस्थों में से एक इस बार प्रतियोगिता में शीर्ष बीस में पांचवें स्थान पर था क्या लेंग शाओजिया सदमे में तुरंत उठ बैठे वह जानती थी कि यूजी चांद का कपड़ा डिजाइनर था और चांद का स्वामित्व काव्या के पास था यदि यूजी काव्या के लिए काम नहीं करती तो लेंग शाओजिया को इससे कोई आपत्ति नहीं होती लेकिन दुर्भाग्य से उसने काव्या के लिए काम किया वह वास्तव में उस भावना से नफरत करती थी जब काव्या हमेशा बेहतर कर सकती थी और उससे अधिक ध्यान देने योग्य हो सकती थी उसने एक दिन काव्या को मात देने का मन बना लिया जियांग शुआवान ने समझा कि खबर सुनने के बाद लेंग शाओजिया का मूड खराब हो जाएगा लेकिन वह इसे गुप्त नहीं रख सकी एक बार जिया शुआन के चले जाने के बाद लेंग शाओजिया ने अपना दूसरा फोन निकाला और एक नंबर डायल किया हाय एमी क्या तुमने अपना मन बना लिया है एक विदेशी ने फोन पर कहा यह स्पष्ट था कि उन्होंने इस पर पहले भी चर्चा की थी हाँ मैं उसकी जानकारी आपको आधे पारिश्रमिक के साथ बाद में भेज दूंगा मैं उसे मरना नहीं चाहता बस विकृत या विकलांग चाहता हूँ लेंग शाओजिया ने बुरी अभिव्यक्ति के साथ कहा काव्या की वजह से उसने बहुत कुछ सहा था वह एक स्वार्थी व्यक्ति थी और हर चीज के लिए काव्या को दोषी ठहराती थी लेकिन वास्तव में उसने सबसे पहले काव्या को परेशान किया था हालांकि अब लेंग शाउजिया को काव्या की वास्तविक पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पता था लेकिन उसकी नफरत उस पर हावी हो गई और उसने अपना विवेक खो दिया एकमात्र चीज जो अब करने की उसकी हिम्मत नहीं थी वह सीधे काव्या को मारना था वह जानती थी कि यह गैरकानूनी है और अगर काव्या की परवाह करने वालों को पता चला कि उसने क्या किया है तो उसे भी मार दिया जा सकता है उसने पहले कभी किसी की हत्या नहीं की थी और वह हत्या से डरती थी भले ही काव्या को उसके भाड़े के किसी व्यक्ति ने मार डाला हो तब भी वह वास्तव में चिंतित महसूस करेगी और दोषी विवेक रखेगी जो उसकी नजर में यातना थी लेंग शाउटिंग मूर्ख नहीं थी और उसके लिए यह पता लगाना आसान होगा कि क्या वह शांत नहीं रह सकती दरअसल यह पहली बार नहीं था जब उसने किसी विदेशी से संपर्क किया था उसने पिछली बार उसे फोन किया था लेकिन आखिरी क्षण में उसने अपनी योजना रोक दी हालांकि इस बार वह खुद पर काबू पाने में नाकाम रही विदेशी कंट्री वाई का एक पेशेवर हत्यारा था और लेंग शाउजिया फर्जी नाम से उसके संपर्क में रहता था स्मिथ ने उसे इस हत्यारे को ढूंढने में मदद की लेंग शाउजिया को अब केवल स्मिथ पर भरोसा था स्मिथ एक अच्छा आदमी नहीं था इसलिए उसने यह नहीं सोचा कि लेंग शाउजिया के लिए किसी को मारने के लिए हत्यारे को भुगतान करना गलत था और उसने वास्तव में पहले भी ऐसा ही किया था वह कंट्री वाई के माफिया में किसी को जानता था इसलिए उसने लेंग शाउजिया को मदद का हाथ दिया कोई बात नहीं एमी कृपया धैर्य के साथ मेरी जानकारी की प्रतीक्षा करें विदेशी ने कहा उन्होंने लेंग शाउजिया को यह नहीं बताया कि वह कार्य कब पूरा कर सकते हैं क्योंकि उन्हें इसे मापने के लिए कुछ समय चाहिए था एक बार जब उसने अपना निर्णय ले लिया तो वह इसके लिए एक कीमत निर्धारित करेगा कॉल काटने के बाद लेंग शाउजिया अभी भी बहुत घबराई हुई थी यह पागलपन था लेकिन वह उत्साहित भी महसूस कर रही थी उसका मानना था कि इस बार काव्या बर्बाद हो गई बिना देर किए लेंग शाओजिया ने विदेशी को एक संदेश भेजा सिटी एफ में जन्मी उन्नीस वर्षीय महिला काव्या अक्सर सिटी बी और राजधानी में दिखाई देती है लेंग शाओजिया को काव्या के घर का पता नहीं पता था इसलिए उसने हत्यारे को केवल चांद जेड ब्यूटी ज्वेलरी कॉजी की दुकानों के स्थान बताए इसके अलावा उसने हत्यारे काव्या को परसों का शेड्यूल भी दिया हालांकि उसके पास काव्या के बारे में कोई विस्तृत दस्तावेज नहीं था लेकिन उसने हत्यारे को पर्याप्त जानकारी प्रदान की थी जियांग शुआन डाइनिंग हॉल में वापस चला गया हालांकि उसकी भूख कम हो गई थी फिर भी वह ख़ुद को कुछ न कुछ खाने के लिए मजबूर करती थी थोड़ी देर के बाद उन्होंने रात का खाना खत्म किया और एक साथ लिविंग रूम चले गए लेंग युआनकियान ने जो कुछ हुआ उसके बारे में कुछ नहीं कहा लेकिन वह अप्रसन्न थे वह अब लेंग शाउटिंग और काव्या को देखने के लिए तैयार नहीं था इसलिए उसने खुद को माफ़ कर दिया और अपने कमरे में चला गया उसने लेंग शाउटिंग और काव्या की सगाई के बारे में अधिक जानकारी के लिए मास्टर लेंग से पूछने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि वह जानता था कि मास्टर लेंग नहीं चाहता था कि वह इसमें शामिल हो और ईमानदारी से कहूं तो उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं थी जियांग शुआन ने भी एक बहाना बनाया और जल्द ही चला गया हालांकि किसी को भी उनकी परवाह नहीं थी और जब वे चले गए तो दूसरों को अधिक आराम महसूस हुआ आंटी यिन कॉजी के मेकअप उत्पाद अभी बाजार में आए हैं मैं आपके और शौक्सी के लिए एक सेट लाया हूं आप इसे आजमा सकते हैं और बाद में मुझे अपने विचार बता सकते हैं काव्या ने यू इन को दो उपहार बैग देते हुए कहा हालांकि इंटरनेट पर कौजी के बारे में एक घोटाला हुआ था लेकिन काव्या ने नहीं सोचा था कि यू इन को उस पर शक होगा उसे विश्वास था कि यू इन उस पर और कौजी की गुणवत्ता पर भरोसा करेगी उस समय यू इन को नहीं पता था कि कौजी के साथ क्या हुआ था लेकिन वह फिर भी काव्या पर विश्वास करना चाहेगी भले ही उसने इसके बारे में सुना हो धन्यवाद यू इन आश्चर्यचकित और उत्साहित था काव्या हर बार उपहार लेकर लेंग परिवार के पुराने घर में आती थी लेकिन पहली मुलाक़ात में उसने काव्या को केवल एक लाल लिफाफा दिया था फिर भी वे जल्द ही परिवार बन जाएंगे इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी मुझे खुशी हुई काव्या मुस्कुरा दी यून जियांग शुआन की तुलना में काव्या के प्रति अधिक दयालु थी इसलिए काव्या यू यिन के साथ अच्छा व्यवहार करने को तैयार थी काव्या मुझे तुम्हारा उपहार बहुत पसंद आया मैं आज रात इसे आजमाऊंगा यू यिन बहुत उत्साहित थी जियांग शुआन अपने कमरे में वापस नहीं गई बल्कि लेंग युआन कियान के अध्ययन कक्ष में चली गई युआन कियान अब हमें क्या करना चाहिए यह पता चला कि काव्या तांग युनफान की जैविक बेटी है यदि लेंग शाउटिंग वास्तव में भविष्य में उससे शादी करता है तो उसे तांग परिवार का भी समर्थन प्राप्त होगा उस स्थिति में वह इतना शक्तिशाली होगा कि उसे रोका नहीं जा सकेगा जियांग शुआन वास्तव में चिंतित था उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा हर मामले में लेंग शाउटिंग से बेहतर हो सकता है लेकिन दुर्भाग्य से वास्तविकता इसके विपरीत थी मुझे कैसे पता होगा मुझे पता नहीं है लेंग युआनकियान ने भौने चढ़ा दी यहाँ तक कि लेंग युआनकियान को भी नहीं पता था कि अब क्या करना है इसलिए जियांग शुआन बेचैन था लेंग युआनकियान ने कहा भले ही लेंग शाउटिंग ने काव्या से शादी नहीं की फिर भी वह शावमिंग से अधिक उत्कृष्ट है यह निर्विवाद सत्य था हालांकि वह इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक थे लेंग शाउटिंग बहुत कम उम्र में एक प्रमुख जनरल बन गए इसलिए लेंग शाउटिंग की तुलना में लेंग शावमिंग बहुत कम ध्यान देने योग्य थे आप हमारे अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं शाओमिंग बिल्कुल भी बुरी नहीं है जियांग शुआन ने कहा वह यह सुनने को तैयार नहीं थी यह सच है लेंग युआन ने कहा भले ही जियांग शुयुआन अप्रसन्न थी वह इससे इनकार नहीं कर सकी ठीक है अब आप जा सकते हैं मुझे अभी भी अपना काम निपटाने की जरूरत है लेंग युआन ने कहा जियांग शुआन फिर चला गया अपने कमरे में वापस जाने के बाद जियांग शुआन ने सोचा कि उसे लेंग शाओमिंग को खबर बतानी चाहिए इसलिए उसने तुरंत लेंग शाओमिंग को फोन किया और लेंग शाओमिंग ने जवाब दिया माँ क्या हो रहा है लेंग शाओमिंग अपनी माँ की बात सुनना नहीं चाहता था क्योंकि वह अनथीन बातें करती थी शाओमिंग तुम्हारे दादाजी ने अभी कहा था कि वे काव्या के साथ लेंग शाउटिंग की सगाई के बारे में बात करने जा रहे हैं जियांग ने कहा क्या क्या काव्या इस वर्ष केवल उन्नीस वर्ष की नहीं है लेंग शाओमिंग आश्चर्यचकित थे हाँ लेंग शाउटिंग इंतजार नहीं कर सकता था क्योंकि वह इस महान अवसर को चुकना नहीं चाहता था जियांग शुआन ने निर्दयता पूर्वक कहा क्या आप जानते हैं कि काव्या युनफान की जैविक बेटी है उसे सिटी बी में टैंग परिवार का समर्थन प्राप्त है जियांग शुआन का मानना था कि काव्या की पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण लेंग शाउटिंग काव्या से सगाई करने के लिए उत्सुक थे काव्या टैंग युनफान की जैविक बेटी है लेंग शाउमिंग हैरान रह गए क्या उसका उपनाम गुण नहीं है क्या वह सिटी एफ से नहीं है वह सिटी बी में टैंग परिवार की सदस्य कब बनी वह एक नाजायज बेटी है जियांग श्रुईवान ने कहा अगर वह लेंग परिवार में शादी कर सकती है तो तांग परिवार को भी इससे फायदा हो सकता है इसलिए उन्हें सहयोगी बनना होगा जियांग श्रुईवान केवल यह देख सकता था कि चीजों से लोगों को कैसे फायदा होगा और लेंग शाउटिंग के साथ काव्या की शादी से तांग परिवार को बहुत सारे फायदे मिलेंगे हालांकि यह उसकी अपनी राय थी और दूसरों ने वास्तव में इस तरह से नहीं सोचा था हालांकि लेंग शाउमिंग ने यह नहीं सोचा था कि लेंग शाउटिंग सत्ता और धन के लिए शादी करेंगे वह सफल होना चाहते थे और हमेशा लेंग शाउटिंग से आगे निकलना चाहते थे इसलिए यह उनके लिए बुरी खबर थी अगर लेंग शाउटिंग वास्तव में काव्या से शादी करता है तो वह लेंग परिवार में निर्णय लेने वाला होगा जियांग शुवान ने निराशा के साथ कहा ऐसा कहना अभी भी जल्दबाजी होगी काव्या इस साल केवल उन्नीस साल की है उन्हें लेंग शाउटिंग से कानूनी तौर पर शादी करने के लिए तीन साल तक इंतजार करना होगा कौन जानता है कि अगले तीन वर्षों में क्या होगा लेंग शाउमिंग ने कहा वह अपनी मां की तुलना में अधिक शांत रहते थे जियांग शुआन की आंखें तुरंत चमक उठी काव्या और लेंग शाउटिंग की सगाई होने ही वाली थी और उन्हें अभी भी तीन साल तक इंतजार करना पड़ा आने वाले तीन सालों में कुछ भी हो सकता है हो सकता है कि लेंग शूटिंग अंत में काव्या से शादी करने में असफल हो जाए भले ही भविष्य में कोई दुर्घटना न हुई हो हु। जियांग श्रयुआन का मानना था कि अगर वे चाहें तो कुछ दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं जब रात के लगभग नौ बजे थे तब काव्या और लेंग शूटिंग चले गए लेंग शाउटिंग ने एक बार लेंग परिवार के घर के बाहर कार चलाते हुए कहा अगर ऐसा दोबारा होता है तो आप सीधे उसका मुंह बंद करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं वह काव्या की सहनशीलता से थोड़ा असंतुष्ट था वास्तव में काव्या की अपनी चिंताएं थी यदि किसी अन्य व्यक्ति ने उसे अपमानित किया होता तो वह कार्रवाई करती लेकिन वह लेंग शाउजिया था काव्या को मास्टर लेंग की भावनाओं पर विचार करना पड़ा हालांकि लेंग शाउटिंग को सांत्वना देने के लिए काव्या अंत सहमत हो गई उसके बाद उसने तांग हैफेंग को फोन किया और उससे कहा कि मास्टर लेंग परसों उनसे मिलने आएंगे उसने अपने परिवार को पहले ही बता दिया ताकि वे तैयार हो सकें लेंग शाउटिंग अपने घर वापस आने के बाद काव्या के साथ यौन संबंध बनाना चाहता था लेकिन दुर्भाग्य से काव्या अपने मासिक धर्म पर थी जिससे वह पूरी तरह से निराश हो गया हालांकि वह उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए उत्सुक था लेकिन उसे काव्या के शरीर की अधिक परवाह थी इसलिए वह अकेले ही ठंडे पानी से नहाने चला गया काव्या उसकी प्रतिक्रिया से चकित थी लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकी क्योंकि वे प्यार नहीं कर सकते थे वे एक साथ फ़ोन पर खेलते थे काव्या इंटरनेट पर कौजी के बारे में टिप्पणियां पढ़ रही थी जहां कई इंटरनेट उपयोगकर्ता अभी भी एक दूसरे से बहस कर रहे थे वास्तव में यह अब वीबो पर कोई गर्म विषय नहीं था इसलिए बहुत कम लोग ही इस पर ध्यान दे रहे थे काव्या के प्रभाव के कारण कॉजी की गुणवत्ता समस्या ने बहुत ध्यान आकर्षित किया लिंग शाउटिंग ने बाद में काव्या से कहा काव्या क्या तुम मुझे अपनी और जादुई गोलियां दे सकती हो इस कार्य के बाद मेरा एक साथी घायल हो गया हालांकि यह गंभीर नहीं है फिर भी मुझे उम्मीद है कि वह जल्दी ठीक हो सकता है उसके पास काव्या की जादुई गोलियां खुम हो रही थी क्योंकि उसका काम बहुत खतरनाक था और वह अक्सर घायल हो जाता था अतीत में वे ठीक होने के लिए केवल समय और भाग्य पर भरोसा कर सकते थे यह पहली बार था कि लेंग शाउटिंग ने काव्या से अपनी मर्जी से कुछ मांगा था इसलिए उसे थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई जरूर काव्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा और एक पल में उसके हाथ में एक बड़ी बोतल आ गई यहाँ एक सौ गोलियां हैं आप उन्हें अपने साथियों के साथ साझा कर सकते हैं आखिरकार यह महत्वपूर्ण क्षण में आपकी जान बचा सकता है काव्या समझ गई कि लेंग शाउटिंग और उनके साथी एक दूसरे के बहुत करीब थे और उन्होंने एक टीम के रूप में मिलकर काम किया वे किसी भी क्षण अपने जीवन का बलिदान दे सकते हैं इसलिए यह समझ में आता है कि लेंग शाउटिंग ने अपने साथियों के लिए गोलियां मांगी लेंग शाउटिंग को अपने साथियों की परवाह थी और काव्या को उनकी भावनाओं की परवाह थी इसके अलावा वह पहले ही लेंग शाउटिंग के कई साथियों से मिल चुकी थी जू चेन मेंग, जिन जिनबेई एवेशुन और झाओ लेंग सभी ने उस पर अच्छा प्रभाव छोड़ा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें से कौन खतरे में था वह मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी इसके अलावा क्योंकि वे एक टीम थे वे अपने काम के दौरान एक दूसरे को प्रभावित करते थे उदाहरण के लिए यदि उनमें से कोई भी किसी खतरनाक मिशन में घायल हो जाता है तो पूरी टीम की दक्षता प्रभावित होगी और टीम लीडर पर बोझ पड़ेगा हालांकि अगर उनके पास जादुई गोलियां होती तो वे थोड़े समय में ठीक हो जाते और लेंग शाउटिंग को कम तनाव महसूस होता इसलिए काव्या उसी समय लेंग शाउटिंग और उसके साथियों की मदद कर रही थी सच कहूँ तो वह वास्तव में नहीं जानती कि अगर लेंग शाउटिंग के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो उसका सामना कैसे किया जाए या उसे स्वीकार कैसे किया जाए लेंग शाउटिंग को बहुत दुख हुआ और वह काव्या को धन्यवाद देना चाहता था लेकिन उसने उसे रोक दिया तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है जब तक तुम चाहो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं जो मेरे पास है महान लेंग शूटिंग ने उसकी बात सुनी अगली सुबह के ने काव्या को परिणाम के बारे में एक संदेश भेजा उसने सरोगेट खरीदारों के माध्यम से मास्टरमाइंड को ढूंढ लिया मास्टरमाइंड कोरिडलिस मेकअप का बॉस था और उसका नाम जुआम चुआहाउ था सिटी क्यू कोरिडालिस मेकअप एक तीसरे स्तर का मेकअप ब्रांड था लेकिन यह बहुत महत्वाकांक्षी था इसने हमेशा अपनी प्रतिष्ठा सुधारने और अपनी बिक्री बढ़ाने का प्रयास किया कोरिडालिस मेकअप की गुणवत्ता अच्छी थी और इसकी बाजार में उच्च स्थान पाने की बहुत संभावना थी फिर भी कौजी ने इस पर प्रभाव डाला और कोरिडालिस मेकअप की बिक्री तुरंत गिर गई यदि यह जारी रहा तो कोरिडलिस मेकअप अपने ग्राहकों को खो देगा जुआम चुआ खतरे के प्रति सतर्क था इसलिए उसने कौजी के खिलाफ योजना बनाई काव्या निश्चित रूप से इसे बर्दाश्त नहीं करेगी इसलिए उसने कुछ करने का फैसला किया हालांकि उसे कल मास्टर लिंग के साथ सिटी बी वापस जाना था इसलिए वह खुद सबूत इकट्ठा नहीं कर सकी इसके बजाय उसने गांव यी और क्याओं या से उसके लिए इससे निपटने के लिए कहा के को मास्टरमाइंड मिल गया लेकिन उसके पास पर्याप्त सबूत नहीं थे और भले ही उन्हें पता हो कि यह एक योजना होगी जनता ठोस सबूत के बिना उन पर विश्वास नहीं करेगी ऐसा होने पर काव्या ने गांव ई और क्याऊ या को अधिक प्रेरक सबूत खोजने के लिए कहा गांव यी और क्याओं या के लिए इस समस्या को हल करना बहुत आसान होगा इसलिए उन्होंने बिना देर किए सिटी क्यू लिए उड़ान भरी दूसरी ओर काव्या राजधानी में रही और यद्यपि लेंग शूटिंग वापस आ गई थी फिर भी काव्या हर दिन अकेले ही अपनी कंपनी में जाती थी सुबह में लेंग शाउटिंग मिलिट्री जनरल में अपने घायल साथी से मिलने गए काव्या से मिलने जाने से पहले उसे अपने साथी को जादुई गोलियां देनी थी लेंग शाउटिंग के घायल साथ ही झाऊ वैक्सीन थे जो रेड फ्लेम में आठवें स्थान पर थे रेड फ्लेम के बारहवें सदस्य ज्यो नानचेन अस्पताल में उनके साथ रह रहे थे झाओ वैक्सीन को कंधे में गोली लगी थी और गोली पहले ही निकाल दी गई थी इसलिए वह अब ठीक था लेकिन आमतौर पर उसे कम से कम आधे महीने तक बिस्तर पर रहना होगा सौभाग्य से काव्या की दवा की मदद से वह जल्दी ठीक हो सका रेड फ्लेम के कई सदस्यों को काव्या की दवा के अविश्वसनीय प्रभाव के बारे में पता था लेकिन जब उन्होंने इसे देखा तो वे फिर भी आश्चर्यचकित रह गए झाओ वैक्सीन द्वारा गोली लेने के कुछ मिनट बाद उन्हें अपने कंधे से बहुत कम दर्द महसूस हुआ वे सभी जानते थे कि दवा काव्या की थी और वे सभी उसकी प्रशंसा करते थे भले ही वह केवल एक युवा लड़की थी उन्होंने कभी किसी व्यक्ति को उसकी उम्र से नहीं आँका बल्कि उसकी क्षमता को आँका कुछ लोग बूढ़े थे लेकिन किसी काम के नहीं थे जबकि कुछ लोगों के पास बहुत कम उम्र में ही ढेर सारी उपलब्धियां थी हालांकि वे अभी तक काव्या से नहीं मिले थे लेकिन उन्होंने इंटरनेट पर उसके बारे में बहुत सी खबरें पढ़ी थी इसलिए वे एक दिन काव्या से मिलने की उम्मीद कर रहे थे झाओ वैक्सियन और जियो नानचेन ने लेंग शाउटिंग से पूछा कि वे राजधानी में काव्या से कब मिल सकते हैं उन्होंने इंटरनेट पर केवल काव्या की तस्वीरें देखी थी इसलिए यह वास्तविक नहीं लगा जू जिनचेन ने उनके सामने काव्या के साथ अपनी मुलाकातों का दिखावा भी किया था जिससे उन्हें ईर्ष्या महसूस हुई लेंग शाउटिंग ने तुरंत उनके सवाल का जवाब नहीं दिया लेकिन कहा कि उन्हें काव्या की राय पूछने की जरूरत है झाओ वैक्सियन और जियो नानचेन सहमत हुए क्योंकि उन्हें काव्या का सम्मान करना था आखिरकार काव्या हर समय आज़ाद नहीं थी वह एक व्यापारिक साम्राज्य की संस्थापक थी शुरुआत में झाओ वेक्सियन और जियो नानचेन दोनों के पास लड़ाई में काव्या के साथ प्रतिस्पर्धा करने का विचार था लेकिन जब उन्होंने सुना कि जू जिनचेन और चेन चेनमेंग के साथ क्या हुआ था तो उन्होंने हार मान ली लेंग शाउटिंग दोपहर के भोजन से पहले शेंगनिंग संगठन पहुंचे क्योंकि उन्होंने बाद में काव्या के साथ भोजन करने की योजना बनाई थी उन्होंने बाहर खाना नहीं खाया बल्कि काव्या के कार्यालय के कैफेटेरिया के भोजन का आनंद लिया लेंग शाउटिंग ने काव्या से कहा कि अगर वह उस दोपहर खाली हो तो उसके साथ ही उससे मिलना चाहते हैं वास्तव में लेंग शाउटिंग काव्या को अपने करीबी भाइयों से मिलवाने के लिए काफी इच्छुक था इसका मतलब यह था कि काव्या को उसके करीबी दोस्तों के छोटे समूह ने स्वीकार कर लिया था और उसे उम्मीद थी कि वह उसके करीबी दोस्तों के साथ अच्छी तरह घुल मिल सकेगी काव्या समझ गई कि लेंग शाउटिंग भी चाहता था कि वह उसके साथियों से मिले इसलिए वह मान गई लेंग शाउटिंग की प्रेमिका के रूप में काव्या ने सोचा कि उसके करीबी भाइयों से मिलना जरूरी है उन्होंने उस दोपहर लेंग शाउटिंग के साथियों के साथ रात्रि भोजन करने का निर्णय लिया इसके बाद लेंग शाउटिंग ने अपने साथियों को एक संदेश भेजा जो यह खुशखबरी सुनकर खुश हुए दोपहर दो, दो बजे गांव ही और क्याओं या सिटी क्यू उन्होंने तुरंत के से संपर्क किया क्योंकि उन्हें उन प्रमुख लोगों को जानना था जिनका उन्हें बाद में अनुसरण करना था केवल के को पता था कि उनके मोबाइल फोन माध्यम से उनके स्थानों को कैसे ट्रैक किया जाए कुछ सेकंड बाद गांव ही और क्याओं या कार्रवाई करने के लिए अलग हो गए शाम करीब पाँच बजे काव्या को काम से छुट्टी मिल गई इसलिए लेंग शाउटिंग ने शेंगशी होटल में एक निजी कमरा बुक किया शेंगशी होटल वैसे भी उनका व्यवसाय था बाद में लेंग शाउटिंग ने झाओ वेक्सियन और जियो नानचेन को बुलाया काव्या की जादुई गोलियां लेने के बाद झाओ वेक्सियन को बहुत बेहतर महसूस हुआ और उसका घाव तेजी से ठीक हो रहा था इसलिए जब तक वह धीरे से चलता वह अस्पताल छोड़ सकता था इसलिए वह गले में ब्रेस लटकाकर लेंग शाउटिंग और काव्या से मिलने गया काव्या और लेंग शाउटिंग बाद में शेंगशी होटल पहुंचे जहां काव्या को पता चला कि रात के खाने के समय परिचित चेहरों को देखना बहुत आसान था इस बार काव्या का सामना झांग शियाओया से हुआ पिछली बार एन एम्प्रेस ऑफ मिलिट्री ब्लड फिल्मांकन सेट पर ली मियाओजिया द्वारा प्रतिस्थापित की गई महत्वहीन अभिनेत्री थी हॉल में झांग जियाओया के साथ दो आदमी थे एक सादा चेहरे वाला मोटा अधेड़ उम्र का आदमी था जबकि दूसरा युवा लंबा और पतला था ऐसा लग रहा था कि वह युवक मोटे आदमी का सचिव था काव्या को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी दूसरी ओर झांग झांगशियाव्या ने जैसे ही काव्या को देखा तो वह शर्मिंदा हो गई लेकिन अगले ही पल वह लेंग शाउटिंग को देखकर दंग रह गई लेंग शाउटिंग सबसे खूबसूरत आदमी था जिसे उसने पहले कभी देखा था हालांकि वह मनोरंजन उद्योग में एक महत्वहीन अभिनेत्री थी उन्होंने पहले कई टीवी शो में अभिनय किया था इसलिए उन्होंने कई अच्छे दिखने वाले अभिनेताओं को देखा था लेकिन उनकी तुलना लेंग शाउटिंग से नहीं की जा सकती थी वह यह जानने को उत्सुक थी कि लेंग शाउटिंग का काव्या के साथ क्या संबंध था मोटे अधेड़ उम्र के आदमी ने झांग जियाओया की नजरों का पीछा किया और चारों ओर देखा वह काव्या और लेंग शाउटिंग की उत्कृष्ट उपस्थिति से भी आश्चर्यचकित थे यदि वह उन्हें अपने लिए काम दिलाने में सक्षम होता तो वह आसानी से उनके चेहरों से बहुत सारा पैसा कमा सकता था यह सोचते हुए वह तुरंत काव्या और लेंग शूटिंग के पास चला गया हाय आपको परेशान करने के लिए खेद है मेरा नाम झेंग दिंकाई है जो झावयांग एंटरटेनमेंट का महाप्रबंधक है क्या आपको स्टार बनने का शौक है आपकी उत्कृष्ट उपस्थिति को देखते हुए आप मेरी मदद से आसानी से प्रसिद्ध हो सकते हैं माफ करें मैं रुचि नहीं रखता हूं काव्या ने सीधे उसे ठुकरा दिया हालांकि झेंग दिंकाई हार मानने को तैयार नहीं था क्योंकि काव्या और लेंग शाउटिंग बहुत आकर्षक थे मिस एक सेकंड रुकिए। क्या आप मशहूर नहीं होना चाहते अगर इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता काव्या ने उसे टोक दिया प्रबंधक झेंग मुझे क्षमा करें मैं एक मनोरंजन कंपनी का मालिक हूँ इसलिए मैं जब चाहू प्रसिद्ध हो सकता हूँ उसके बाद काव्या ने झेंग दिंकाई को पीछे छोड़ दिया और लेंग शाउटिंग के साथ चली गई झेंग दिंकाई को तब शर्मिंदगी महसूस हुई जब काव्या ने उसे बताया कि वह एक मनोरंजन कंपनी की मालिक है वह नहीं जानता था कि यह सच है या नहीं लेकिन वह जानता था कि उसे उन्हें दोबारा परेशान नहीं करना चाहिए उसने केवल यह महसूस किया कि यह शर्म की बात है कि वह उन्हें अपनी कंपनी के लिए काम नहीं करवा सका झेंग दिंकाई पीछे मुड़ा लेकिन उसने झांग शियाओया को लेंग शाउटिंग की पीठ पर अपनी निगाहें जमाते हुए पकड़ लिया और वह तुरंत पागल हो गया झांग शियाओया, यह मत भूलो कि तुम इस समय मेरी रखेल हो उनकी आवाज़ धीमी थी लेकिन काव्या और लेंग शाउटिंग अभी भी इसे सुन पा रहे थे काव्या को एहसास हुआ कि झांग जियाओया का मोटे आदमी के साथ यौन संबंध था वह आदमी उसका डैडी होना चाहिए काव्या मुंह बनाकर चली गई जैसे ही झेंग दिंकाई ने उसे चेतावनी दी झांग शियाओया ने अपनी आंखें लेंग शाउटिंग से हटा ली और उसने जल्दी से समझाया कृपया मुझे गलत न समझे मैं लड़की को देख रहा था वह फेंगुआ एंटरटेनमेंट की बॉस है और उन्होंने ली मियाओजिया को मेरी जगह लेने दिया झेंग दिंकाय को झांग शियाओया की बर्खास्तगी के बारे में पता था लेकिन झांग शियाओया ने उसे सच नहीं बताया अगर उसने झेंग दिंकाय को बताया कि उसे उसके खराब अभिनय के कारण बर्खास्त कर दिया गया है तो उसे छोड़ दिया जाएगा इसलिए झांग श्याऊया ने उसे केवल यह बताया कि उसे फेंगुआ के बॉस के आदेश के तहत ली लिमिया द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था झांग श्याउया को झेंग दिंकाई ने इसलिए चुना क्योंकि वह सुंदर थी और अभिनय में बहुत बुरी नहीं थी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झांग जियाओया ने अनतेहेहे नियमों को स्वीकार कर लिया इसलिए उसने उस पर पैसा खर्च करने का फ़ैसला किया झेंग दिंकाई हर महत्वहीन अभिनेत्री के साथ नहीं सोता था केवल उन लोगों के साथ जो उससे मदद की भीख मांगते थे झांग श्याओंया अपनी मर्जी से उसके पास आई और उसकी रखेल बनने के लिए तैयार हो गई उन्होंने यह देखने के लिए कि क्या वह लोकप्रिय हो सकती है उसे कई भूमिकाएं देने का भी वादा किया यदि वह लोकप्रिय नहीं हो पाती तो वह जब चाहे उसे छोड़ देता अगर वह लोकप्रिय हो गई तो वह पैसा भी कमा सकता है काव्या अलग थी क्योंकि काव्या असामान्य रूप से सुंदर थी और झेंग दिंकाई उसे अपने साथ सोने के लिए मजबूर करने के बजाय केवल उसे प्रसिद्धि दिलाना चाहता था केवल सबसे उत्कृष्ट लोग ही अनते नियमों को ना कह सकते थे क्योंकि उनके पास अवसरों की कमी नहीं थी जब झेंग दिंकाई ने सुना कि काव्या फेंगुआ की बॉस थी तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ यह पता चला कि यह सच है कि वह वास्तव में एक मनोरंजन कंपनी की मालिक थी उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनकी मनोरंजन कंपनी फेंगुआ थी फेंगुआ एंटरटेनमेंट ने उद्योग में बहुत ध्यान आकर्षित किया और इसने कम समय में बहुत पैसा कमाया फेंगुआ एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस बड़ी सफल रही थी झेंग दिंकाई को फेंगुआ के विकास से ईर्ष्या थी फेंगुआ की क्षमता को देखते हुए उनका मानना था कि सैन्य रक्त की एक महारानी लोकप्रिय और लाभदायक भी होगी झेंग डिंग झांग शियाओया के बहाने से विचलित हो गई थी और भूल गई थी कि उसकी नजरें लेंग शाउटिंग पर टिकी थी हालांकि उसने काव्या से जो कहा था उसके बारे में सोचकर वह अभी भी पूरी तरह से शर्मिंदा महसूस कर रहा था झेंग दिंकाई ने इसके बारे में आगे नहीं पूछा और झांग शियाओया को राहत महसूस हुई इन दिनों उसने सुना कि ली मियाओजिया ने क्रू में बहुत ध्यान आकर्षित किया और यहां तक कि प्रमुख अभिनेताओं के भी करीब हो गई जिससे वह ईर्ष्या से भर गई उसे डर था कि ली मियाओजिया को वास्तव में फेंगुआ एंटरटेनमेंट के बॉस द्वारा चुना जाएगा और वह उससे पहले प्रसिद्ध हो जाएगी भले ही ली मियाओजिया लोकप्रिय होने जा रही थी झांग झांगजियाउया ने सोचा कि उसे पहले के समय में ली मियाओजिया से अधिक लोकप्रिय होना चाहिए झेंग दिंकाई ने झांग शियाओया को एक नए शो में सहायक भूमिका दिलाने में मदद की थी और उसने कुछ प्रसिद्धि हासिल करने के लिए इस पर भरोसा किया था वह अंत नियमों को स्वीकार करने को तैयार थी क्योंकि मनोरंजन उद्योग में अंतह नियम ही नियम थे उसका मानना था कि जब तक वह इसे गुप्त रखेगी वह ठीक और सुरक्षित रहेगी जब काव्या और लेंग शाउटिंग निजी कमरे में चले गए जहां वैक्सीन और जियो नानचेन पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे वे काव्या और लेंग शाउटिंग से लगभग एक दर्जन मिनट पहले, पहले पहुंचे लेकिन नियत समय शाम छह बजे था इसलिए काव्या और लेंग शाउटिंग को देर नहीं हुई एक बार जब दरवाजा धक्का देकर खोला गया झाओ वेक्सियन और जियो नानचेन उसे घूरने लगे लेकिन लेंग शाउटिंग पहले आ गए वे तुरंत उठ खड़े हुए क्योंकि लेंग शाउटिंग उनके नेता थे और भले ही वे अब बाहर भोजन कर रहे थे नियम तो नियम थे अगले ही पल काव्या प्रकट हो गई झाओ वेक्सियन और जियो नानचेन दोनों उसकी सुंदरता से दंग रह गए उन्होंने इंटरनेट पर काव्या की तस्वीरें देखी थी लेकिन असल जिंदगी में वह उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी हाय मिस्टर लेंग और मिसेज लेंग झाओ वेक्सियन और जियो नानचेन ने मजाक किया वे जानते थे कि लेंग शाउटिंग भविष्य में काव्या से शादी करने जा रहा है इसलिए उन्होंने सीधे काव्या को मिसेज लेंग कहा यह पहली बार नहीं था कि लेंग शाउटिंग के करीबी भाइयों ने उनका इस तरह से स्वागत किया था लेकिन काव्या को फिर भी थोड़ा शर्म आ रही थी दूसरी ओर लेंग शाउटिंग बहुत संतुष्ट थे फिर उसने अपने साथियों का परिचय काव्या से कराया यह झाओ वैक्सियन है और वह जियो नानचेन है हम एक ही टीम में हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा काव्या उन्हें देखकर मुस्कुराई चूंकि वे लेंग शाउटिंग के करीबी भाई थे इसलिए काव्या को उन्हें मिस्टर कहने की कोई जरूरत नहीं थी कृपया सीट ग्रहण करें झाओ वैक्सियन और जियो नानचे ने काव्या को तुरंत बैठने के लिए आमंत्रित किया और लेंग शाउटिंग को नजरअंदाज कर दिया लेकिन लेंग शाउटिंग को बिल्कुल भी नाराजगी नहीं हुई जब वे सब बैठ गए तो उन्होंने ऑर्डर देना शुरू किया जब वेटर अपना ऑर्डर लेकर चला गया तो झाओ वैक्सियन ने काव्या से कहा काव्या हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और हम हमेशा तुमसे मिलना चाहते थे लेकिन हमें मौका नहीं मिला अगर इस बार मैं घायल न होता और ठीक होने के लिए राजधानी न आता तो शायद आज मुझे आपसे मिलने का अवसर न मिलता काव्या खुश हुई और मुस्कुराई वह समझ गई कि वे उससे मिलना चाहते थे क्योंकि वह लेंग शाउटिंग की प्रेमिका और होने वाली पत्नी थी उन्हें लेंग शाउटिंग और लेंग शाउटिंग की शादी की परवाह थी झाओ वेक्सियन ने आगे कहा ओह काव्या आपकी दवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यह वास्तव में अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है मैंने आज दोपहर को ही एक गोली ली और अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं मुझे लगता है कि मैं शायद कुछ दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा हालांकि झाओ वैक्सीन यह जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि काव्या को दवा कैसे मिली वह जानते थे कि उन्हें इसके बारे में विवरण नहीं मांगना चाहिए ईमानदारी से कहूँ तो शुरुआत में हम सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि किस तरह की लड़की हमारे बॉस की प्रेमिका बन सकती है लेकिन अब हम आश्वस्त हैं काव्या तुम न केवल सुंदर हो बल्कि उत्कृष्ट भी हो मुझे लगता है आप लाखों में एक हैं जियो नान्चे ने कहा रेड फ्लेम के सभी सदस्य असाधारण रूप से मजबूत और कुशल थे लेकिन काव्या उनमें से कुछ से भी बेहतर थी इसलिए वे सभी उसकी प्रशंसा करते थे और उसका सम्मान करते थे क्या आपका मतलब है कि शूटिंग मेरी शक्ल से आकर्षित है काव्या ने कहा और नाराज होने का नाटक किया वह तो बस मजाक कर रही थी हालांकि जियो नानचेन थोड़ा घबरा गया नहीं मेरा वो मतलब नहीं था मेरा मतलब है कि आप बहुत खूबसूरत हैं जियो नानचेन को अभी यह नहीं पता था कि इसे कैसे समझाया जाए चूंकि वह काव्या को अच्छी तरह से नहीं जानता था इसलिए उसे लगा कि काव्या सचमुच उससे नाराज है जब जियो नानचेन घबराया हुआ लगा तो काव्या हंस पड़ी मुझे क्षमा करे मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ यह सुनकर जियो नानचेन को राहत मिली काव्या गूंगी नहीं थी यदि लेंग शाउटिंग एक सती आदमी होता तो उसने बहुत पहले ही उसे समझ लिया होता तुम्हारे यहां आने पर वे इतने घराए हुए क्यों हैं क्या आप उन्हें अक्सर डरा दे काव्या ने लेंग शूटिंग से पूछा झाउ वेक्सियन और जियो नानचेन काव्या से अधिक सहमत नहीं हो सके लेकिन उन्होंने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की क्या मैं डरावना हूं लेंग शाउटिंग ने अचानक झाओ वेक्सियन और जियो नानचेन को देखा हालांकि वह निर्दोष लग रहा था फिर भी वह धमकी भरा लग रहा था न तो झाओ वेक्सियन और न ही जियो नानचेन में सच बोलने का साहस था लेंग शाउटिंग की सरल नजर ने झाओ वेक्सियन और जियो नानचेन को डरा दिया और उन्होंने तुरंत इसका खंडन किया बिल्कुल नहीं वास्तव में वे लेंग शाउटिंग से डरे हुए नहीं थे वे उससे भयभीत थे काव्या ने सब कुछ देखा और अपनी आंखें घुमा ली कुछ ही देर में मेज पर बर्तन रख दिए गए और वे भोजन का आनंद लेते हुए एक दूसरे से बातें करने लगे झाओ वैक्सियन और जियो नाचे ने काव्या से कंपनियां शुरू करने के उसके अनुभव के बारे में पूछा काव्या को उनके साथ अपने अनुभव साझा करने में कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन उसने अपनी जेड आइस को गुप्त रखा उसने उन्हें बताया कि वह सफल होने के लिए ज्यादातर अपनी किस्मत पर भरोसा करती है यह कोई झूठ या बहाना नहीं था क्योंकि काव्या वास्तव में अपने व्यापारिक साम्राज्य के निर्माण के रास्ते में बहुत भाग्यशाली थी उसके अच्छे भाग्य ने उसे कुशल अधीनस्थों से मिलने और अधिक शक्तिशाली संबंध बनाने में मदद की हालांकि झाओ वैक्सियन और जियो नानचेन ने इंटरनेट पर काव्या के कुछ अनुभवों के बारे में पढ़ा था फिर भी काव्या से अधिक विवरण सुनने के बाद वे आश्चर्यचकित थे काव्या ने कहा कि वह ज्यादातर अपनी किस्मत पर भरोसा करती है लेकिन उनकी क्षमता भी बहुत मायने रखती है दरअसल सौभाग्य भी किसी की योग्यता का ही एक हिस्सा होता है जहां तक काव्या की पारिवारिक पृष्ठभूमि का सवाल है उन्होंने इसके बारे में नहीं पूछा क्योंकि उन्हें नहीं लगा कि यह महत्वपूर्ण था उन्हें काव्या की उसके परिवार से ज्यादा परवाह थी जब तक काव्या और लेंग शाउटिंग प्यार में थे और उन्हें पारिवारिक पृष्ठभूमि की परवाह नहीं थी पारिवारिक पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण नहीं होगी लेंग शाउटिंग की टीम के सभी साथी सकारात्मक मूल्यों वाले अच्छे इंसान थे वे जो चाहते थे उसके लिए लड़ने के भी आदि थे झाओ वैक्सियन सेना में एक मेजर थे लेकिन उनकी प्रेमिका एक साधारण सफेद पोष कार्यकर्ता थी फिर भी वे तीन साल तक साथ रहे और वे अब भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे झाओ वैक्सियन ने जल्द ही अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने की भी योजना बनाई हालांकि झाओ वैक्सीन की प्रेमिका को पता था कि वह सेना में एक सैनिक था लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि वह एक मेजर था क्योंकि वह केवल सत्ताईस वर्ष का था और मेजर बनने के लिए बहुत छोटा था झाओ वैक्सियन के इतनी कम उम्र में मेजर बनने का कारण यह था कि उन्होंने पहले भी कई बार कठिन मिशनों को पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी यह केवल झाओ वैक्सियन ही नहीं था रेड फ्लेम के अन्य सभी सदस्यों को भी सेना में उच्च स्थान दिया गया था झाओ वैक्सीन ने अपनी प्रेमिका को सेना में अपनी वास्तविक स्थिति नहीं बताई क्योंकि नियमों के अनुसार उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं थी यहां तक कि काव्या को भी लेंग शाउटिंग की नौकरी और रेड फ्लेम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी वह केवल इतना जानती थी कि वह एक प्रमुख सेनापति था और हमेशा खतरनाक कार्यों को पूरा करने के लिए छोड़ दिया जाता था सेना में कई विशेष कोर थे और काव्या ने उनमें से कुछ के बारे में सुना था लेकिन उसे अभी भी पता नहीं था कि लेंग शाउटिंग किस टीम में थे लेंग शूटिंग अपनी नौकरी के बारे में बात नहीं करना चाहते थे इसलिए काव्या ने कभी इसके बारे में आगे नहीं पूछा आखिरकार उन सबके अपने अपने रहस्य थे सिटी क्यू गांव ही पूरे समय मेकअप के अध्यक्ष जुआंग चुआनहां का अनुसरण कर रहा था जबकि क्याओं या एक अन्य प्रमुख व्यक्ति इसके कारखाने के प्रमुख डू डू गन नजर रखता था जुआंग चुआनहां काम से छूटने के बाद घर वापस चला गया लेकिन डू गैन बाहर ही रहा दोपहर में डू गैन ने कोरिडालिस मेकअप के बिक्री प्रबंधक के साथ भोजन किया और भोजन के दौरान उन्होंने कौजी के बारे में बात की क्या हां उनकी बातचीत सुनने में सक्षम थी क्योंकि जब एक वेटर निजी कमरे में आया तो उसने दरवाजे के एक कम ध्यान देने योग्य कोने में चुपचाप एक वायरलेस माइक्रोफोन था उसके बाद उसने उनके बगल में एक निजी कमरा बुक किया और कुछ व्यंजन ऑर्डर किए बिना देर किए उसने अपना लैपटॉप चालू किया और उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली प्रबंधक झाओ क्या कौजी को पता चलेगा कि यह हम थे दू गैंग ने चिंतित होकर पूछा कौजी ने योजना के पीछे के मास्टरमाइंड पर मुकदमा करने के अपने इरादे की घोषणा पहले ही जारी कर दी थी इसलिए डू गैंग को डर था कि वह बड़ी मुसीबत में फंस सकता है आखिरकार वह कोरिडालिस मेकअप के कारखाने का प्रमुख था कोरिडालिस मेकअप के बिक्री प्रबंधक का नाम झाओ वेई था और वह लगभग तीस के दशक का एक युवा व्यक्ति था वह कौजी के खिलाफ इस योजना में डू गैंग से संपर्क करने के लिए जिम्मेदार था इसलिए कौजी द्वारा घोषणा जारी करने के बाद ही डू गैंग मदद के लिए झाओ वेई की ओर रुक कर सका चिंता मत करो मुझे नहीं लगता कि कौजी यह पता लगाने में सक्षम है कि यह हम ही थे झाओ वे ने आत्मविश्वास से कहा भले ही कौजी को सच्चाई का पता चल जाए फिर भी हम ठीक रहेंगे क्योंकि हम पहले से ही अगले कदम के लिए तैयार हैं हम मूर्ख नहीं हैं और यह अभी अंत नहीं है कोरिडेलिस मेकअप ने कौजी को नष्ट करने का निश्चय किया था जुआंग चुआनहाओ एक सफल व्यवसायी भी थे और वह जानते थे कि अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करना है कौजी निस्संदेह अपने ग्राहकों को सांत्वना देने के लिए आधिकारिक स्पष्टीकरण देगा क्योंकि अब इसकी आलोचना की जा रही है हालांकि आगे क्या होगा यदि कोरिडालिस मेकअप ने कौजी के खिलाफ योजना बनाना बंद कर दिया तो कौजी सुरक्षित और ठीक हो जाएगा लेकिन कोरिडालिस मेकअप ने पहले जो किया था वह निरर्थक होगा कोरिडालिस मेकअप के लिए ऐसा करना पूरी तरह से समय की बर्बादी होगी इसलिए चूंकि कोरिडालिस मेकअप ने कौजी को अपने रास्ते से हटाने की ठान ली थी इसलिए उसने एक आदर्श योजना तैयार की थी वास्तव में हम आगे क्या करने जा रहे हैं दु गान की आंखें तुरंत चमक उठी झाओ वे ने गर्व के साथ कहा मेरे पास कौजी कारखानों में से एक में समूह के नेता का सामान है और वह स्वीकार करेगा कि अयोग्य कौजी मेकअप उत्पादों का यह बैच उनके द्वारा उत्पादित किया गया था यह सुनकर क्याओ या नाराज हो गई दूसरी ओर डू दुग्न को राहत महसूस हुई लेकिन उसने उत्सुकता से पूछा अब हमें क्या करना चाहिए आप जान जाएंगे झाओ वे ने रहस्यमय मुस्कान बिखेरी चूंकि झाओ वे उसे बताने को तैयार नहीं थे इसलिए दुगैंग ने इसके बारे में आगे नहीं पूछा क्याओ हां ने तुरंत काव्या को रिकॉर्डिंग भेजी जब काव्या को क्याओ या से वॉयस रिकॉर्डिंग मिली तो उसने लेंग शाउटिंग के दोस्तों के साथ खाना खत्म कर लिया था लेकिन वे तुरंत नहीं गए वह बहाना बनाकर महिलाओं के कमरे में वॉयस रिकॉर्डिंग सुनने चली गई और लोगों को सुनने से रोकने के लिए उसने अपने ईयरफोन लगा लिए वॉयस रिकॉर्डिंग सुनकर काव्या के होश उड़ गए उसे आश्चर्य हुआ उसका व्यापारिक शत्रु उसकी फैक्ट्री को प्रभावित कर सकता था उसने तुरंत के को एक संदेश भेजा और उसे कौजी मेकअप फैक्ट्री के सभी समूह नेताओं की जांच करने के लिए कहा क्योंकि कौजी मेकअप फैक्ट्री में कई उत्पादन लाइनें थी और क्याओं याको दोषी समूह नेता के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिली इसलिए उन्हें समूह के सभी नेताओं की जाँच करनी पड़ी झाओ वे के कॉल रिकॉर्ड की जाँच करके दोषी समूह नेता को ढूंढना उनके लिए मुश्किल नहीं था एक मिनट के भीतर के ने उसके संदेश का उत्तर दिया और कहा कि वह इसे तुरंत करेगा बाद में काव्या महिलाओं के कमरे से बाहर चली गई और अपनी सीट पर वापस चली गई होटल छोड़ने से पहले उन्होंने कुछ देर तक एक दूसरे से बातचीत की जियो नानचेन और झाओ वेक्सियन मिलिट्री जनरल वापस चले गए जबकि काव्या और लेंग शाउटिंग घर चले गए हालांकि झाओ वेक्सियन का घाव लगभग ठीक हो गया था फिर भी उसे जाने की अनुमति के बिना कुछ दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा वह तभी अस्पताल छोड़ सकता था जब डॉक्टर उसे बताए कि कल की जांच के बाद वह ठीक है सेना में रैंक वाले सैनिकों को मिलिट्री जनरल में मुफ्त इलाज मिल सकता है इसलिए अस्पताल मरीजों को पैसे के लिए नहीं रखेगा काव्या और लेंग शाउटिंग के होटल छोड़ने के कुछ ही समय बाद काव्या को के का फोन आया और के ने उसे बताया कि उसे ग्रुप लीडर गया है जो गुप्त रूप से झाओ वे के संपर्क में रहता था उन्होंने अपने वास्तविक फोन नंबरों से एक दूसरे से संपर्क किया था इसलिए के के लिए सच्चाई का पता लगाना बहुत आसान था झाओ वे के संपर्क में रहने वाले समूह के नेता वांग झोंघांग थे उनकी उम्र लगभग चालीस वर्ष थी और उन्होंने लंबे समय तक कोलेन में काम किया था उसने वर्षों तक निंग चांगकाई के लिए काम किया था लेकिन फिर भी उसने उसे और कोलेन को धोखा देने का फैसला किया जिसका मतलब था कि झाओ वेई के साथ कुछ गंभीर संबंध था किसी भी तरह चूंकि वांग झोंघांग ने कोलेन को धोखा दिया था काव्या उसे दंडित करने में संकोच नहीं करेगी भले ही काव्या को पता था कि वांग झोंगहाम गुप्त रूप से झाओ वेई से संपर्क कर रहा था फिर भी उसे नहीं पता था कि उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या बात की थी इसलिए वह वा अभी वांग झोंगहाम पर मुकदमा नहीं कर सकती थी यदि वांग झोंघाम ने भयानक गलती करने से पहले इसे कबूल कर लिया तो काव्या उसे माफ कर सकती है हालांकि अगर उसने ऐसा करना जारी रखा तो काव्या तब तक इंतजार करेगी जब तक कि यह गंभीर न हो जाए और कोरिडालिस मेकअप को गंभीर रूप से दंडित करने का मौका जब्त कर ले अगर वह अभी वांग झोंघहांग से मिलने जाती तो कोरिडालिस मेकअप कौजी पर हमला करना बंद कर सकता था और उसके पास खुद का बचाव करने का अच्छा मौका नहीं होता इसलिए काव्या ने धैर्य रखने का फैसला किया उसे यह जानने की जरूरत थी कि झाओ वेई का वांग झोंगहांग पर वास्तव में क्या प्रभाव था इसके अलावा उसे कोरिडेलिस मेकअप और जुआंग चुआनहां के बारे में और जानने की भी जरूरत थी यदि वह उनके गंदे रहस्यों का पता लगाने में सक्षम होती तो वह सीधे उन्हें उजागर कर देती और कोरिडालिस मेकअप को बर्बाद कर देती उनके गंदे रहस्यों का पता लगाना आसान नहीं होगा इसलिए काव्या को कुछ समय और इंतजार करने की जरूरत थी आखिरकार वे मूर्ख नहीं थे हालांकि काव्या ने वांग झोंघहांग को अभी नहीं देखने का फैसला किया लेकिन उसने किसी से उसकी जासूसी कराने की व्यवस्था की निंग चांगकाई ने पहले एक बार कारखाने की जांच की थी और उन्हें कोई समस्या नहीं मिली क्योंकि वांग वांगझोंगाहांग ने तब कुछ भी नहीं किया था लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह भविष्य में भी कुछ नहीं करेंगे इसलिए काव्या ने निंग चांगकाई को बुलाया और उसे वांग झोंगहांग के बारे में बताया निंग चमकाई को आश्चर्य हुआ उसके सबसे बड़े मददगारों में से एक ने उसे धोखा देने का फैसला किया और उसे इस बात का काफी दुख हुआ वैसे भी चूंकि वांग झोंगहांग विश्वासघाती था निंग चमकाई ने काव्या की बात सुनी और उस पर जासूसी की अगले दिन काव्या सुबह अपनी कंपनी में गई क्योंकि दोपहर के भोजन के बाद वह लेंग परिवार के साथ सिटी भी जा रही थी लेंग शाउटिंग व्यस्त थे क्योंकि काव्या के परिवार से मिलने जाने से पहले उन्हें अच्छी तरह से तैयार होना था मास्टर लेंग ने उस सुबह तांग हाईफेंग को फोन किया था और उनसे कहा था कि वे सगाई के बारे में बात करने के लिए आज सिटी बी में तांग परिवार से मिलेंगे ताम हाईफेंग को कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि काव्या ने उसे इसके बारे में पहले ही बता दिया था वह इसके लिए तैयार भी थे काव्या सुबह नौ बजे से पहले अपने कार्यालय पहुंची और के ने अपने लैपटॉप के साथ उसका पीछा किया और बताया कि उसे क्या पता चला है कि कल रात घर वापस नहीं गया और केवल कुछ घंटों के लिए सोया था जब लगभग सुबह होने वाली थी क्योंकि वह जानता था कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था ठीक है आपको इससे निपटने के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है आपका स्वास्थ्य अधिक मायने रखता है काव्या ने कहा और के को एक पावर क्रिस्टल यहाँ ले लो इससे आपको अपनी ऊर्जा वापस पाने में मदद मिलेगी केकी आंखों के नीचे स्पष्ट रूप से काले घेरे थे और काव्या ने देखा कि वह बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था यह ठीक है मुझे लगता है कि अगर हमें परिणाम पहले मिल जाए तो बेहतर होगा के ने कहा और काव्या को धन्यवाद दिया काव्या ने कैसे कहा किसी अन्य विषय पर मुझे बाद में सिटी बी जाना है इसलिए मुझे डर है कि मैं विमोचन सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो पाऊंगी बैटल इन दस गाय का विमोचन सम्मेलन केवल तीन दिन दूर था लेकिन काव्या उस समय भी सिटी बी में होगी मैं समझता हूं के ने सिर हिलाया इसके बाद काव्या ने जांच का नतीजा पढ़ना शुरू किया हालांकि उनके लिए वांग झोंग के झाओ वेई के साथ संबंधों के बारे में पता लगाना आसान नहीं था फिर भी के इसके बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने में सक्षम थे यह पता चला कि वांग झोंघहांग और झाओ वेई एक ही शहर से आए थे और वे बहुत कम उम्र में एक दूसरे को जानते थे लगभग आठ साल पहले वांग झोंघांग बीस साल के थे और अभी भी अपने गृह दर में काम करते थे वांग झोंघहांग ने एक बार नशे में गाड़ी चलाई और गलती से किसी को टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई जिसके बाद वह घबराकर भाग गया हालांकि उन्हें झाओ वे ने पकड़ लिया यह एक छोटा शहर था और वहां पर्याप्त सुरक्षा कैमरे नहीं थे इसलिए पुलिस वांग झोंगहाम को ढूंढने में विफल रही और झाओ वे ने भी इसे गुप्त रखा कार दुर्घटना के बाद वांग झोंघान राजधानी के लिए रवाना हो गए और न्याय नहीं हुआ झाओ वेई बाद में संयोग से फिर से वांग झोंगहान से मिले और उन्हें पता चला कि वांग झोंगहान अब कोलेन के लिए काम कर रहे थे जब झाओ वे ने जिस कंपनी के लिए काम किया उसने कौजी के खिलाफ योजना बनाने की योजना बनाई तो उसे वांग झोंगहांग द्वारा किए गए अपराध की याद आई क्योंकि वांग झोंघहाम को दोषी महसूस हुआ झाओ वे ने सफलतापूर्वक उसे धमकी दी वास्तव में भले ही झाओ वे ने पुलिस को बुलाया हो वांग वांगझोंग फिर भी ठीक रहेगा क्योंकि यह बहुत समय पहले हुआ था और इसका कोई सबूत नहीं था जब तक वांग झोंघहांग इससे इनकार करते उन्हें जेल में नहीं डाला जाएगा हालांकि दोषी विवेक वाले लोग घबराए बिना नहीं रह सकते थे और इसका उपयोग दूसरों द्वारा किया जाएगा झाओ वे के पास उस समय कोई सबूत नहीं था लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में बात की तो उनके पास वांग झोंगहांग के कबूलनामे की रिकॉर्डिंग थी इसलिए वांग झोंगहांग को उनके आदेशों का पालन करना पड़ा जब काव्या को वांग झोंगहांग के अतीत के बारे में पता चला तो उसकी भौहें चढ़ गई भले ही वांग झोंगहांग ने कौजी को धोखा नहीं दिया फिर भी वह इस बार उसे निकाल देगी झाओ वे के पास भी एक गंदा रहस्य था लेकिन उसने कानून नहीं तोड़ा क्योंकि उसकी केवल एक रखेल थी यदि झाओ वे सरकार में एक अधिकारी थे तो उनके गंदे रहस्य उजागर होने पर उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता था लेकिन वह निम्न नैतिक मानकों वाले एक व्यापारी थे दूसरी ओर जुआंग चुआनहाओ ने स्पष्ट रूप से कानून तोड़ा क्योंकि उसने रिश्वतखोरी और कर चोरी की थी इन सालों में कोरडलीज मेकअप की बिक्री काफी जबरदस्त रही और इस पर काफी टैक्स भी चुकाना पड़ा जुआंग चुआनहाओ इतना अधिक कर देने को तैयार नहीं था इसलिए उसने कम कर देने के लिए फर्जी खाते बनाए और अधिकारियों को रिश्वत दी दरअसल कई कंपनियां ऐसा कर रही थी और कुछ अधिकारी जिन्हें इससे लाभ मिला था उन्होंने इस पर आंखें मूंद ली अगर किसी कंपनी के मालिक ने किसी को नाराज नहीं किया तो ठीक है लेकिन अगर उसने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज़ किया जो उससे ज़्यादा प्रभावशाली है तो वह मुश्किल में पड़ सकता है इसलिए जुआंग चौनहाव इस बार बड़ी मुसीबत में था काव्या के हाथ में अब पर्याप्त सबूत थे और कार्रवाई करने से पहले उसे केवल कोरिडालिस मेकअप के अगले कदम की प्रतीक्षा करनी थी इंटरनेट पर लोग अभी भी कौजी की गुणवत्ता समस्या के बारे में बात कर रहे थे हालांकि अधिकांश इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने कौजी पर भरोसा किया लेकिन कुछ को अभी भी संदेह था सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरनेट वाटर आर्मी को कौजी की आलोचना करने के लिए उकसा रही थी मास्टर लेंग ने प्रस्थान का समय दोपहर दो बजे निर्धारित किया और वे ताम परिवार के साथ रात्रिभोज करेंगे लेंग शाउटिंग दोपहर के समय काव्या को लेंग परिवार के घर पर खाना खाने के लिए लेने आए जिसके बाद वे एक साथ हवाई अड्डे पर गए वे इस बार सिटी बी के लिए एक निजी जेट लेंगे हालांकि भले ही वे एक निजी जेट लेंगे फिर भी कोई दुर्घटना होने की स्थिति में उन्हें पहले हवाई अड्डे से संपर्क करने की आवश्यकता होगी इसलिए उन्हें दोपहर एक बजकर चालीस मिनट बजे से पहले ट्रेन में चढ़ना था यूयिन को उस सुबह तक यह नहीं पता था कि कौजी किस मुसीबत में है लेकिन उसने निस्संदेह कौजी का समर्थन किया उसका मानना था कि यह अवश्य ही कोई जाल रहा होगा एक बार जब काव्या आई तो यू यिन ने चिंता से उससे पूछा काव्या मैंने अभी सुना है कि इन दिनों कौजी को क्या हुआ है मेरा मानना है कि कौजी उत्पादों के साथ गुणवत्ता संबंधी कोई समस्या नहीं है लेकिन क्या आपको अभी तक इसका मास्टर मिला है आंटी यिन कृपया चिंता न करें काव्या ने कहा मुझे पहले ही मास्टर मिल गया है और मैं सही समय पर इसे सार्वजनिक कर दूंगी महान यू यिन को सांत्वना मिली काव्या दया मत करो आपको मेरा पूरा समर्थन है मास्टर लिंग ने गुस्से में कहा यूयिन ने इसके बारे में सुनते ही तुरंत मास्टर मास्टरलेंग को बता दिया था इसलिए मास्टर मास्टरलेंग अब पागल हो गए थे मास्टर लेंग की नजर में काव्या बहुत महत्वपूर्ण थी और वह उसे अपना पूरा समर्थन देने को तैयार था चाहे वह कुछ भी करना चाहे हालांकि मास्टर मास्टरलेंग को पता था कि व्यवसाय एक युद्ध के मैदान की तरह है लेकिन जब उनकी भावी पोती पर हमला किया गया तो वह इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे काव्या ने कहा मैं दयालु नहीं बनूंगी वह कमजोर या बहुत दयालु नहीं थी मास्टर मास्टरलेंग ने कहा अगर आपको किसी मदद की जरूरत है तो बस शाउटिंग को बताएं और उसे आपके लिए यह करने दें मैं करूंगा काव्या मुस्कुरा दी जरूरत पड़ने पर वह मदद के लिए लेंग शाउटिंग की ओर रुक करने से कभी नहीं हिचकिचाई काव्या क्या तुम्हारे लिए सिटी भी जाना और अपनी कंपनी छोड़ना ठीक रहेगा मास्टर लेंग ने पूछा काव्या ने कहा हां मुझे हर चीज खुद से निपटने की जरूरत नहीं है मेरा स्टाफ सब कुछ संभाल सकता है उसे केवल तभी अंतिम निर्णय लेने की जरूरत थी जब यह बहुत महत्वपूर्ण हो महान मास्टर लेंग ने सिर हिलाया दोपहर बारह बजकर तीस मिनट बजे लंच के बाद वे एयरपोर्ट के लिए निकले ट्रैफिक जाम में फंसे बिना एयरपोर्ट पहुंचने में करीब 40 मिनट लग गए इसलिए वे तय समय से पहले एयरपोर्ट पहुंच गए